देख गोलू, इसको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और उनकी फैमिली को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है बंडू जी, और डब तो राम राम कल से लिया के वहां से दे लोगे। हां गोटा 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 गोटा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित राउत और पहाड़ी भाई यूट्यूब चैनल में करता हूँ आपका दिल से स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज है महाशिवरात्रि और सभी फ्रेंड्स को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और उनकी फैमिली को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज जो है शिव जी की शादी हुई थी, जैसे कि सबको पता ही होगा शिव जी की और पार्वती जी की शादी हुई थी आज। तो अभी मैं अपने घर में हूँ और तैयार व्यार हो गया हूँ, नहा धो लिया है मैंने और अभी हम जा रहे हैं कसाणी गाँव, यानी कसाणी महादेव। कसाणी महादेव सामने ही गाँव है, आप कई बार देख चुके होंगे, यहाँ से दिख जाता है गाइस। वहाँ जा रहे हैं हम, वो रहा कसाणी गाँव और वहाँ से रास्ता आ रहा है इधर के लिए भमराकोली गांव के लिए। जो आसपास के लोग होंगे उनको पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ से नीचे से रास्ता आ रहा है और यहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया हुआ है, शिव जी का मंदिर, अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो आज कसाणी महादेव में जो है शिव जी के लिए भंडारा किया गया है, यानी कि आज महाशिवरात्रि है तो उन लोगों ने वहाँ पर भंडारा किया हुआ है। हम भी करते हैं जब हमारा जो कृष्ण का मंदिर है ऊपर, कृष्ण जी का, तो उसमें हम भी भंडारा करते हैं कभी कभी, जब जो है कृष्ण जन्माष्टमी आती है, कृष्ण जी का जन्मदिन आता है, तो हम भी वहाँ भंडारा करते हैं। ऐसे आसपास जो भी मंदिर है, तो जब नए नए बनते हैं या फिर जो चर्चित होंगे, जैसे कोटा महादेव, वहाँ भी शायद आज भंडारा होगा, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मैं आज आपको कसाणी वाला महादेव दिखाने वाला हूँ। कोटा महादेव हमने देख चुके हैं क्योंकि कोटा महादेव इधर चर्चित है और अब कसाणी महादेव भी कुछ दिन बाद चर्चित हो जाएगा। तो कसाणी महादेव में आज हम जाने वाले हैं। तो जो भी हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी फ्रेंड्स को एक बार अगेन से जो है उनकी फैमिली को और उनको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भंडारा किस तरह होता है गांव में। कोई भी जो शुभ कार्य होता है, यानी कि शुभ त्यौहार होता है, उसमें भंडारा किया जाता है मंदिरों में। तो मैं आपको ले जाने वाला हूँ सीधे कसाणी महादेव में। अभी मैं और बाबू आ गए हैं अपने गाँव के ऊपर, अपनी मेन रोड में, और बाबू कुछ दिन बाद आए मेरे साथ वीडियो में। तो बाबू के यहाँ पर चोट लगी थी, अब सही है। तो अभी जो है आज जो है महाशिवरात्रि है और आज के दिन लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, खासकर महिलाएं और कुछ कुछ पुरुष। पीछे मंदिर दिख रही है, यहाँ पे हम जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं क्योंकि यहाँ ये कृष्ण का मंदिर है। तो हम भी यहाँ पे भंडारा करते हैं, आपने देखा होगा एक वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो आज महाशिवरात्रि की बात करते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन भी कसाणी वालों ने जो है भंडारा किया है, कसाणी के गाँव वालों ने आयोजन किया है भंडारे का, और इधर के जो आसपास भी गांव है सबको इनवाइट किया गया है उस भंडारे में। तो ऐसा होता है कोई भी शुभ पर्व जब आता है, कृष्ण जन्माष्टमी या शिवरात्रि हो, जो कोई भी पर्व हो, शुभ पर्व, उसमें जो है भंडारा करते हैं आसपास के मंदिरों में, जो भी नया मंदिर वगैरह बना हो या फिर कोई पुराना चर्चित मंदिर हो, जैसा कि नीचे कोटा महादेव है और ये अब कसाणी महादेव। जब अगर आपको कोई पूछेगा कि जो है चल चल भाई महादेव चल, तो महादेव तो हम पूछेंगे उसको कि कौन सा महादेव, कसाणी महादेव या फिर कोटा महादेव, यानी कि महादेव, कोटा महादेव और कसाणी महादेव, अब ये दोनों महादेव हो गए हैं, तो ये चर्चित हो गए हैं। और कोटा महादेव जो है आसपास के इलाकों में चर्चित है और ये कसाणी का महादेव अब इतना चर्चित नहीं है अभी, और धीरे धीरे जो है कसाणी का महादेव भी चर्चित हो जाएगा। लोकेशन पे जहाँ की कसाणी का महादेव है, वो रहा नीचे, तो वो देखो यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है। और बाबू ने भी जो है आज उपवास रखा है, व्रत रखा हुआ है, तो शिव जी का भक्त है बाबू। और यहाँ से देखते हैं नीचे का नज़ारा, एकदम काफी देखने लायक हो रखा है, एकदम दिलचस्प हो रखा है। और सामने के गाँव भी हम आपको दिखाते हैं। ये रहा गाइस, ये है कसाणी महादेव और कसाणी गाँव है उधर, उस रास्ते की मैं बात कर रहा था, ये जो रास्ता आ रहा है वो देखो सीधा रास्ता आ रहा है ये वाला, ये और इधर। तो उधर जो ये आप रास्ता देख रहे हैं ऊपर से जो रास्ता बनाया है, उस पर जो है पत्थर लगाए गए हैं, अगर इस पर सीमेंट लग जाती है तो काफ़ी अच्छा दिखता है ये। और ये मंदिर अभी अभी बनाया है, वो देखो नीचे वो सामग्री रखने के लिए वहाँ, और ये मंदिर पेड़ों के सामने है, ये आपको दिख रहा होगा इधर, ये देखो। तो यहीं जाने वाले हैं हम, और ये सामने है खालिम गाँव, हमारा छोटा सा मार्केट, जब भी हमें सामान वगैरह लाना पड़ता है तो हम यहीं जाते हैं, और वो वहाँ की यहाँ की स्कूल, वो देखो, और ये खालिम गाँव, और ये रोड आ चुकी है इधर जहाँ पे कि हम अभी बैठे हुए हैं, तो यहीं से जाते हैं खालिम। और सामने ही गाँव है भमराकोली, इधर जो है गहराई में, अभी वहाँ जाएंगे हम, और वो ऊपर थवाड़ू गाँव, यानी कि थवाड़ू, और खालिम है ये, और उधर है कसाणी, और ऊपर है
डांडा ख्यात, दीबक कोट बोलते हैं डांडा ख्यात को, वहाँ का नाम दीबक कोट है। तो भमराखोली गांव आपको दिखाते हैं। तो ये सामने है भमराखोली गांव, ये देखो ऊपर, और सामने उधर खालिम गांव, अगर हम ऐसे घूमेंगे तो उधर के लिए। ये रास्ता है नीचे जाने के लिए, अब हम रोड रोड नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे नीचे भमराखोली गांव से। ये जो मंदिर है भमराखोली और कसाणी गांव ने मिल के बनाया है, इधर आसपास के जो भी गांव हैं खारिम शायद, इतना मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे पाइप लगा हुआ है ये, जो कि भमराखोली से आ रहा है नीचे के लिए, यानी कि पानी सप्लाई के लिए। तो भंडारा है तो पानी की ज़रूरत तो यार बेशक पड़ेगी, तो पानी आ रहा है ऊपर भमराखोली गांव से, और पानी की आपको पता है समस्या कितनी है, तो शायद कैसे पता नहीं इन लोगों ने एडजस्ट किया होगा, तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं और भंडारा करवा रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो इतने सपोर्ट के बाद ये लोग जो है भंडारा कर रहे हैं इतनी मेहनत के बाद, तो इन लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है और वीडियो को सब्सक्राइब करना, और अभी जो वीडियो ख़त्म नहीं हुई तो वीडियो में एंड तक बने रहना, आगे हम आपको भंडारा दिखाने वाले हैं जो कि अपने उत्तराखंड का कल्चर है, अपने उत्तराखंड का रीति रिवाज है। पहुंचने वाले हम जस्ट बस दो चार कदम रह गया है, इतना ही रह गया लगभग। आसपास के सभी लोगों को इनवाइट किया गया होगा, अभी महिलाएं और काफ़ी लोग आएंगे यहाँ पे अभी, क्योंकि भीड़ कम है, और दिखाते हैं आपको नज़ारा कैसा है यहाँ। अभी आ गए हम यहाँ पे, ये है मंदिर, ये देखो, और ऊपर यहाँ पे सामग्री बन रही है, कुछ पकवान बन रहे हैं। पहले सबसे पहले भेंट चढ़ा देते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। पेट वगैरह हो गया, अब देखते हैं क्या क्या बन रहा है। यूट्यूबर है क्या चाचा, जिससे आप जो दिल्ली के लिए संपर्क कर सकते हैं, आपको इधर गांव से अगर कहीं जाना है, नंबर दे दिया पूरा नंबर, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, और डॉक्टर राम राम के वहाँ से दिया, हाँ गोटा 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 है बांग गोटा, ये डब्बू भाई है कसाणी से, सब कसाणी के इधर ये चाचा जी है। अगर आपको दिल्ली से घर आना हो कसाणी इधर के लिए, कुंजखाल तिमलीखाल के लिए, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी गाड़ी है, और ये भी भांग बोटा बना रहे हैं, देखो टेस्ट करना बेटा, ना ना तुम भी करना टेस्ट, ना ना प्रसाद ले प्रसाद, आदमी है यार लोग कदर कदर वो कर देंगे, और देखो वो भी लोग आ रहे हैं, उधर महिलाएं आ रही है, और ये सब लोग बैठे हैं पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ भी मंदिर वगैरह होगा तो पीपल का पेड़ आपको जरूर मिलेगा, शुभ माना जाता है इसको। Gracias.
ये रतन भाई है, मेरे फ्रेंड है और सब्सक्राइबर भी, और एक गोलू भाई, इनको आप कोरदार वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे जो है भंडारा ख़त्म हो गया है। अब कुछ कुछ लोग बचे हैं वहीं के जो कि खाएंगे, और बाकी सब चले गए हैं घर, और कीर्तन चल रहा है अभी वहाँ। तो मैं आ गया और मेरे साथ अभी कोई नहीं है, सब चले गए हैं। तो ऐसा होता है गांव में भंडारा, और कसानी गांव के लोगों ने किया था, और मैं अब तक जो है वहाँ पूरी तल रहा था, तो हेल्प की मैंने उनकी, और काफ़ी पूरी तले, तो काफ़ी मदद की उनकी। तो मैं जब से गया वहाँ लगभग 11:30-12 बजे, तो पूरियाँ तली मैंने, और अब जो है टाइम हो गया लगभग 3 बजे, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे ऐसी पहाड़ों की अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको दिखाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो सके शेयर कर दो यार।